ग्लोबल वार्मिंग भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ इसके बढ़ते प्रभाव का असर कृषि क्षेत्र में देखा जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ष 2080 तक देश में गेहूं की पैदावार में 40% तक की कमी होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर मौसम पर भी दिखने लगा है। न समय पर बारिश हो रही है, ना ही समय पर गर्मी पड़ रही है और ना ही सर्दी। हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। स्टडी के अनुसार आने वाले सालों में गेहूं, मक्का, धान की पैदावार में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के देहरादून स्थित सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग पर स्टडी की है। इस स्टडी में सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता असर फसल उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग यदि इसी तेजी से बढ़ती रही तो वर्ष 2080 तक भारत में गेहूं की पैदावार में 40% तक की कमी आने की संभावना है। इसके अलावा धान की पैदावार में 30% तक और मक्का की पैदावार में 14% तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसरो की इस स्टडी के बाद यदि देश में यह स्थिति आई तो डिमांड और सप्लाई के बीच खतरनाक असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिससे आम जनमानस का जीवन प्रभावित होगा। वहीं इसरो के साइंटिस्ट की टीम ने वर्ष 1960 से 1990 तक के बीच के वर्षों पर भी स्टडी की है। इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग में कृषि क्षेत्र पर प्रभाव को लेकर विभिन्न प्रकार के इंडेक्स तैयार किए गए। 1960 से 1990 की तुलना में वर्ष 1990 से लेकर 2020 के बीच ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव 30 से 40% ज्यादा पाया गया। स्टडी में सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। समय पर बारिश न होना, सूखा पड़ना, गर्मी अधिक होना, ठंड कम पड़ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। इसरो के साइंटिस्ट ने स्टडी में ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कई साइड इफेक्ट भी देखे। साइड इफेक्ट में सामने आया कि खेतों में कीटों की संख्या बढ़ गई है, रबी खरीफ दलहन की फसलों की पैदावार घट रही है, सूखे की स्थिति भी बढ़ने लगी है, ग्रीन हाउस गैस का असर बढ़ता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वायुमंडल में बढ़ी है। इसके अलावा वायुमंडल में उन गैसों की संख्या भी बढ़ रही है जो वातावरण को गर्म करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो कृषि के क्षेत्र पर ज्यादा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं, मक्का और धान की पैदावार पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।